गाइज अगर आप आज की इस वीडियो को शुरू से एंड तक देख लेंगे तो आपको और YouTube पे किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक प्रोफेशनल टेलीग्राम ग्रुप बनाना सिखाऊंगा। जिस तरह से बड़े बड़े यूट्यूबर का टेलीग्राम ग्रुप होता है ठीक उसी तरह, जिसमें कि सभी तरह के फैसिलिटी हो, यानी कि जिस तरह से मेरा वाला टेलीग्राम ग्रुप है ठीक उसी तरह से आप भी अपना टेलीग्राम ग्रुप कैसे बना सकते हैं। गाइज अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो गाइज अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए एक प्रोफेशनल टेलीग्राम ग्रुप बनाना चाहते हैं तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। और हाँ गाइज, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे लाल कलर में लिखा हुआ सब्सक्राइब, उस पर क्लिक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए गाइज आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइज इसके लिए आप अपना टेलीग्राम एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे अपना टेलीग्राम को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करना है। देन यहाँ ऊपर में आपको न्यू चैनल का एक ऑप्शन मिल रहा है, आपको सिंपली इस पे क्लिक कर देना है। गाइज आप अपना चैनल का जो भी नाम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना यूट्यूब चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ। नाम लिख लेने के बाद अब आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिख लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पर कुछ लिख लेता हूँ। ये सब चीज लिख लेने के बाद यहाँ कैमरे के आइकॉन में क्लिक करके एक अच्छा सा प्रोफाइल पिक्चर को सिलेक्ट कर ले। गाइज अगर आप इसे थोड़ा एडजस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसे कर सकते हैं। एडजस्ट कर लेने के बाद यहाँ सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, अब आपको ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सही के चिन्ह पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। गाइज यहाँ पे आप अपना टेलीग्राम चैनल का जो भी लिंक रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे भी अपना यूट्यूब चैनल का ही नाम लिख लेता हूँ। गाइज आपको इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, इसे मिला करके ही लिखना है। ये सब अच्छे से लिख लेने के बाद ऊपर सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। गाइज आप यहाँ से चाहे तो इस ग्रुप में मेंबर को भी ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दो तीन मेंबर को ऐड कर लेता हूँ। मेंबर सेलेक्ट कर लेने के बाद ये एरो पे क्लिक कर देना है। तो गाइज यहाँ पे आपका टेलीग्राम ग्रुप बन के तैयार हो चुका है। गाइज आप यहाँ से अपना ऑडियंस को मैसेज भेज सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख करके सेंड कर देता हूँ। गाइज मैसेज तो चला गया लेकिन इसके नीचे कमेंट बॉक्स शो नहीं कर रहा है। जैसे कि मेरा टेलीग्राम ग्रुप में आपको मैसेज के नीचे कमेंट का ऑप्शन मिलता है वो यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो उसे ऑन करने के लिए आपको ऊपर अपने चैनल के नाम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ऊपर में एक पेंसिल दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप पेंसिल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। गाइस कमेंट बॉक्स को ऑन करने के लिए आपको डिस्कशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ क्रिएट ए न्यू ग्रुप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे ऑडियंस रिप्लाई लिख लेता हूँ। गाइस आप चाहे तो इसमें अपना फोटो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे सही के चिन्ह पे क्लिक कर देना है। तो गाइज अब आपका कमेंट बॉक्स ऑन हो चुका है। तो चलिए मैं यहाँ पे फिर से एक मैसेज भेज के देखता हूँ कि कमेंट बॉक्स ऑन हुआ है कि नहीं। तो गाइज हम जैसे ही यहाँ पे मैसेज सेंड किए तो उसके नीचे ऑटोमेटिक लीव कमेंट का ऑप्शन शो कर रहा है, यानी कि अब मेरा कमेंट बॉक्स ऑन हो चुका है। तो गाइज अब हम अपना दूसरा आईडी से इसमें कमेंट करके देखते हैं कि कमेंट किया जाता है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे अपना दूसरा आईडी को ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरा दूसरा आईडी ओपन हो चुका है। तो चलिए अब हम इस ग्रुप में मैसेज करके देखते हैं। तो मैसेज करने के लिए आपको लिप कमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पे जो चाहे वो लिख के सेंड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे कुछ लिख करके सेंड कर देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे हम कमेंट कर दिए हैं। अब चलते हैं उस ग्रुप में और वहां जाके चेक करते हैं कि मेरा कमेंट उसमें आया है कि नहीं। तो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हम कमेंट किए हैं वो यहाँ पर इस ग्रुप में दिखाई दे रहा है। गाइज आप भी उसे यहाँ से पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, उसमें नहीं तो आपका नंबर दिखाई देगा और नहीं उसमें आपका नाम। यानी कि ये एक प्रोफेशनल टेलीग्राम ग्रुप बन गया है, जिस तरह की बड़े बड़े यूट्यूबर का टेलीग्राम ग्रुप होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी किसी तरह का दिक्कत आता है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई 100% देने की कोशिश करूंगा। और हाँ गाइज आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो। मैं इस चैनल पर आप लोगों के लिए इसी तरह का अच्छा अच्छा वीडियो लाते रहता हूँ।